तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आयरन मैन के तीनों पार्ट्स। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर को दिखाते हुए। वहां पर यूएस आर्मी भी होती है जो कि किसी ऐसे आदमी का इंतजार कर रही होती है जो कि वेपन्स को डील करता था और उसका नाम था टॉनी। फिर कुछ ही टाइम में हम देखते हैं कि टॉनी वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर टॉनी उस आर्मी को एक मिसाइल दिखाता है और कहता है कि ये हम लोगों ने बनाया है, ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये एक मिसाइल ही पूरी कंट्री को तबाह करने के लिए काफी है। और फिर वहां पर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दरअसल टॉनी यहाँ पर आर्मी से कोई डील करने आया था और इस डील से वो बहुत अमीर हो सकता था। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टॉनी की कार पर कोई फायरिंग करने लगता है। वहां पर मौजूद सारी की सारी आर्मी टॉनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उन आर्मी को फायर करके मार देते हैं। टॉनी अपनी जान बचाकर गाड़ी से बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी का बॉम्ब पड़ा होता है जिसके फट जाने से वो काफी जख्मी हो जाता है। अब हमें एक दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है जब टॉनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिला था। दरअसल जो कंपनी ये चला रहा था ये इसके फादर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन जिस जगह अवार्ड दिया जा रहा था टॉनी वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। अब अगर टोनी वहां पर नहीं था तो वो कहां पर था? वो था एक कैसीनो में। वहां पर वो आदमी आता है जिसने टोनी का अवार्ड लिया था। वो उसे उसका अवार्ड देता है तो वो कहता है कि यार मैं इसे कहां रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। वो अवार्ड वो लोगों को देकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक रिपोर्टर आती है और टोनी से कहती है कि क्या आप सेटिस्फाई हैं, क्या आप नए नए वेपन्स बना रहे हैं और वो इतने खतरनाक हैं कि किसी की भी जान ले सकते हैं, बल्कि पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अगर हम वेपन्स ना बनाएं तो लोग हमें ही मार डालेंगे। उसके बाद ये दोनों कुछ टाइम साथ स्पेंड करते हैं और फिर टॉनी को बताया जाता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है और टॉनी अपने प्राइवेट जेट से होता हुआ अफगानिस्तान आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ जब टॉनी बेहोश है और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो वह देख के काफी हैरान होता है कि मेरे साथ बैटरीज क्यों लगी हुई है। वो होश में आकर अपने साथ खड़े आदमी से पूछता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो वो आदमी उसे बताता है कि जब तुम्हारे साथ वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो उसके कई पीसेस तुम्हारी बॉडी के अंदर चले गए। वो इतने छोटे पीसेस थे कि हम उनको बाहर नहीं निकाल सकते थे। अब इसका एक ही हल था कि हम उन पीसेस को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोक सकें, तो इस वजह से हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर रहे हैं, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता चलता है कि टॉनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर रखा है और तभी वहां पर उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टॉनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके यहां पर क्यों बुलाया, मुझे तुम्हारा बनाया गया मिसाइल काफी पसंद आया और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूं कि सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ और बस जैसे ही तुम मुझे मिसाइल दे दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें छोड़ दूंगा। तो टॉनी कहता है कि हरगिज नहीं, ये तुम्हारी भूल है। तो टॉनी के साथ खड़ा हुआ आदमी उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ तुम्हारे साथी इवन आर्मी भी नहीं तुम्हें ढूंढ सकती। अब ये आदमी था कौन? दरअसल ये आदमी भी वेपन्स बनाया करता था और इन्हें भी यही लोग लेकर आए थे यहाँ पर। अब टॉनी और वो डिसाइड करने लगते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हालांकि यहाँ से बाहर जाना लग तो इम्पॉसिबल रहा था, लेकिन वो फिर भी ट्राई करना चाहते थे। वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। तो टॉनी कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं, बस एक ड्राइवर और एक सेक्रेटरी है। तो वो दोनों सोचते हैं कि हम कोई ऐसा ड्रेस बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ हो, ताकि जब हम लोग बाहर निकलें और वो हम पे शूट करें तो हम पे कोई असर ना हो और हम फौरन से भाग जाएं। वो आदमी टॉनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको सिर्फ वही बैटरी कंट्रोल कर सकती है जो मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ कनेक्ट की थी। अब उसको ढूंढना होगा ताकि उसको यूजफुल बनाकर हम यहाँ से बाहर जा सकें, लेकिन उस सूट के लिए इनको बहुत पावर्ड बैटरी चाहिए थी जो कि सूट को रन भी कर सकती। दूसरी तरफ लीडर को तो यही लग रहा होता है कि शायद ये लोग मेरे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, तो वो उसको मटेरियल भी देता रहता है क्योंकि वो नहीं जानता होता कि मिसाइल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। लेकिन जल्द ही जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर उस लीडर तक भी पहुंच जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को जो कि टॉनी के साथ इस सूट बनाने में हेल्प कर रहा था काफी इंजर्ड कर देता है। टॉनी अपना वो सूट पहनता है और उसमें सारा सिस्टम डाउनलोड करता है, उसमें वो पावर भी ले आता है और वहां पर मौजूद सब लोगों को मारने लगता है और उस केव से बाहर आ जाता है अपना वही ड्रेस पहनकर। टॉनी वहां से निकलकर सारे वेपन्स डिस्ट्रॉय करता है और अपने ड्रेस में ही मौजूद रॉकेट लॉन्चर से वहां से फ्लाई कर जाता है। अब
वो गिरता है एक डेजर्ट में, जहाँ पर उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और वापस उसी जगह पर ले आती है जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। वहाँ पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर ये वेपन कंपनी खोली थी। टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूँ और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि टोनी पूरे मीडिया से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया। उन्होंने मुझसे डिमांड की कि मैं उनको भी वेपन्स बना कर दूं। मैंने ये सोचा है कि मेरे वेपन्स इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग भी मेरे वेपन्स को हासिल करके जंग करना चाहते हैं, वॉर करना चाहते हैं, और मैं ये सब नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूं। और एटलीस्ट अगर कंपनी बंद ना बिकी तो मैं ऐसे वेपन्स कभी नहीं बनाने वाला। तो वो आदमी जो टोनी के फादर का फ्रेंड था वो सारे लोगों से कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है और ये सेंसेस में नहीं है, ये भी उदास है इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टोनी वहाँ से चला जाता है और वो आदमी भी टोनी के पीछे पीछे आता है। वो टोनी से कहता है कि आखिर हुआ क्या, तुम अफगानिस्तान से कैसे बच कर निकले और तुम्हें उन लोगों ने क्यों किडनैप किया था। तो टोनी उसे सारी बात बता देता है और ये भी बताता है कि मैंने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी हेल्प से मैं बाहर निकला, क्या तुम भी देखना चाहोगे। तो वो आदमी कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो टोनी अपनी शर्ट खोलता है और अपनी चेस्ट पर वो दिखाता है यानी उस आयरन सूट का कुछ हिस्सा। वो आदमी ये चीज देख के कहता है कि ये तो लाजवाब है, हमें इस पर और काम करना चाहिए और पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए, हम इससे काफी अमीर हो सकते हैं और इससे हमें काफी प्रोग्रेस मिल सकती है। लेकिन टोनी नहीं मानता और फिर जाता है अपनी सेक्रेटरी के पास। वो उससे कहता है कि मेरी चेस्ट में जो टूल लगा हुआ है मैंने इससे ज्यादा एडवांस टूल बना लिया है, उसे प्लीज उसके साथ चेंज कर दो। तो वो लड़की टोनी से पूछती है कि ये क्या करता है। तो टोनी उसे बताता है कि मेरी बॉडी में कुछ मेटल पीसीज हैं, ये उनको मेरे दिल तक जाने से रोकता है और मेरी बॉडी में और ज्यादा पावर और एनर्जी बनाता है। दूसरी तरफ डेजर्ट में उन अफगानिस्तान के टेररिस्ट को उस सूट के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं जिसे वो लोग जोड़कर पता लगा लेते हैं कि असल में चीज क्या है। और उधर टोनी भी एक नए ड्रेस बनाने की कोशिश में होता है, उसने उस ड्रेस में और ज्यादा अच्छे रॉकेट लॉन्चर्स लगा रखे थे जो उसे उड़ने में मदद देने वाले थे। अब वो अपने ड्रेस में लगे सिस्टम को ऑर्डर देता है कि मुझे और ऊपर उड़ाओ। लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है तो उसके ड्रेस में बर्फ जमने लगती है सर्दी की वजह से और उसके सिस्टम में एरर आ जाता है और वो नीचे आकर गिरता है। जैसे ही वो नीचे आ रहा होता है तो अपने सिस्टम को दोबारा से ऑर्डर देता है क्योंकि अब उस पर से बर्फ मेल्ट हो रही थी और वो दोबारा से उड़ जाता है। फिर घर आकर वो ड्रेस में कुछ चेंजेस करता है ताकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने में वो ड्रेस ना जमे। और टेबल पर उसकी सेक्रेटरी ने उस पुराने टूल पर कुछ लिख के उसके लिए रखा होता है जिसे देख के वो काफी खुश होता है। फिर शाम को हम देखते हैं कि टोनी एक पार्टी में जाता है जहां पर उसकी सेक्रेटरी भी होती है। वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं, डांस करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं कि तभी वहीं पर वो रिपोर्टर आ जाती है जिसने उससे कुछ क्वेश्चंस किए थे। वो कहती है कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया उस जैसे कई मिसाइल अब अफगानिस्तान खुद बना रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी परमिशन से हो रहा है या तुमने ऐसा कुछ करने को कहा है। टोनी एकदम बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे लगता है कि हो ना हो ये काम उसी आदमी का है जो कि उसके फादर का दोस्त था यानी उस कंपनी का शेयर पार्टनर। टोनी सीधा उस आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है क्या वाकई में तुमने वो मिसाइल वहाँ पर भेजा है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा। तो टोनी कहता है क्या तुम्हें पता भी है वहाँ पर जो टेररिस्ट है वो लोगों को कितना मार रहे हैं और तुमने उन्हीं टेररिस्ट की मदद कर दी, हमारी कंपनी ऐसे काम नहीं करती। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर टोनी घर आ जाता है और खुद ही कुछ करने का ट्राई करता है। टोनी अपने ड्रेस को बहुत एडवांस बना लेता है, उसमें उसने हर तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर दी थी जो कि फायर भी कर सकती थी और छोटे छोटे रॉकेट्स भी शूट कर सकती थी। टोनी फौरन से वो ड्रेस पहनकर अफगानिस्तान जाता है। वहां पर जाकर वो सब आदमियों से लड़ता है, इवन उन टेररिस्ट के लीडर से भी, और फिर अपने ड्रेस से एक छोटा सा रॉकेट वहां पर छोड़ता है जिससे वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहां की एयरफोर्स को भी पता चल जाता है कि यहां पर कोई एक्सप्लोजन हुआ है लेकिन वो आयरन मैन को ढूंढ ही नहीं पाते। फिर टोनी अपने उस दोस्त को कॉल करता है जो कि इसे अवार्ड देने कैसीनो आया था। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं ही हूँ जिसने ये सारा ब्लास्ट किया है, तो प्लीज तुम इस मैटर का ख्याल रख लेना। फिर जब उससे पूछा जाता है कि ये अटैक्स किसने किए तो वो कहता है कि हो सकता है कई दुश्मनों ने मिलकर ये अटैक किया हो, यानी वो ये बात टोनी पर नहीं आने देता। अब जब टोनी के फादर का दोस्त ये बात सुनता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे कोई अटैक करके गायब हो सकता है। वो फौरन से अफगानिस्तान जाता है और वहां के टेररिस्ट से बात करता है। तो वो टेररिस्ट कहते हैं कि हम जान चुके हैं कि काम किसका है, लेकिन हम तब तक खामोश हैं जब तक हम पूरी बात का ना पता लगा लें।
ये आयरन मैन ही है, क्योंकि हमें डेजर्ट से उसके ड्रेस के कुछ पार्ट्स मिले हैं। वो टेररिस्ट उस आदमी से कहते हैं कि अगर तुम हम लोगों को पैसे दे दो तो मैं सूट का डिजाइन तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन टोनी के फादर का दोस्त ऐसा नहीं करता, बल्कि उन लोगों को डरा धमका कर वो ड्रेस अपने साथ ले आता है। टोनी को पता चल जाता है कि उसका पुराना ड्रेस किसी ने चुरा लिया है। वो फौरन से अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके मुझे उसको रोकना होगा कि कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए और वो मेरा नाम मेरी आइडेंटिटी यूज करके हर जगह तबाही फैलाए। अब टोनी की सेक्रेटरी उस आदमी के ऑफिस जाती है, यानी वही आदमी जो टोनी के फादर का दोस्त है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके कंप्यूटर से कॉपी करने लगती है और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि यही वो आदमी था जिसने टोनी को किडनैप करवाया था उन टेररिस्ट से, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि टोनी का इस कंपनी में जरा सा भी शेयर हो। ये सुन के वो काफी हैरान होती है और वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर वही आदमी आ जाता है जिसके कंप्यूटर से वह डेटा चुरा रही थी, लेकिन उसे बातों में लगा के वहां से चली जाती है। अब वो आदमी भी इतना कोई इनोसेंट नहीं था, उसे पता चल जाता है कि ये लड़की मेरे कंप्यूटर से सारा डेटा चुरा गई है। जब वो लड़की सारी इन्फॉर्मेशन लेके वहां से निकल रही होती है तो एक आदमी आता है और कहता है कि आप टोनी को जानती है ना, कि आप टोनी से मेरा इंटरव्यू करा देंगी, मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ क्वेश्चनिंग करनी है। और दूसरी तरफ टोनी के फादर के फ्रेंड को भी अजीब अजीब फील हो रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि टोनी अब कितना पावरफुल है और उसे पता चल चुका है कि इस सारी गेम के पीछे मेरा ही हाथ है। उस आदमी ने कुछ साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया होता है वही टूल बनाने के लिए जो कि टोनी की चेस्ट में था, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जो टूल ये बनवा रहा था उसका साइज काफी बड़ा था, लेकिन उसको कम्प्लीट होने में भी टाइम था। तो ये जाता है टोनी के घर काफी गुस्से में। वो टोनी की बॉडी को डीएक्टिवेट करके उसकी चेस्ट में से वो टूल यानी जब उसका हार्ट था वो ले जाता है, जिसकी वजह से टोनी बहुत डाउन फील करने लगता है और उसके बगैर वो ज्यादा देर जिंदा रहने वाला नहीं था कि तभी टोनी को याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे एक पुराना टूल भी दिया था। वो फौरन से उसको लगा लेता है और अपना ड्रेस दोबारा से अपनी बॉडी पर ले आता है। अब टोनी के फादर का फ्रेंड तो टोनी का वो टूल लेके जा चुका था, उसने अपने पास काफी बड़ा आयरन जाइंट बना रखा था जिसका वो नाम रखता है आयरन मॉन्गर। वो आदमी वो टूल जो टोनी की चेस्ट से निकाला गया था उसके अंदर डाल देता है, जिससे वो एक्टिवेट होने लगता है, उसमें कई पावर्स आ जाती हैं। लेकिन इतनी ही देर में असली आयरन मैन भी वहां पर पहुंच चुका था और अब इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। अब वो दोनों लड़ते लड़ते रोड पर आ जाते हैं, तभी आयरन मैन को याद आता है कि अभी तक ये सूट पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, यानी अभी भी ये कई ज्यादा हाइट पर जाकर फ्रीज हो जाएगा। वो फौरन से ऊपर उड़ने लगता है ताकि आयरन मॉन्गर भी उसका पीछा करे, और जब वो लोग बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो आयरन मॉन्गर का ड्रेस जमने लग जाता है, फ्रीज होने लग जाता है और वो अजीब सा होकर थोड़ा डल होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी नीचे आते ही वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और वो आयरन मैन पर अटैक करने लगता है। अब ये दोनों पता है कहाँ आकर गिरते हैं, उसी लैब पर जहाँ पर ये बहुत बड़ा टूल बनाया जा रहा था। इस टूल को उसी आदमी के साइंटिस्ट बना रहे थे जो टोनी के फादर का फ्रेंड था। अब आयरन मैन अपनी सेक्रेटरी को फौरन से कहता है कि तुम ये टूल एक्टिवेट कर दो, मैं यहाँ से फौरन से भाग जाऊंगा और इसका सारा का सारा इफेक्ट इस आयरन मॉन्गर पर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं जानता होगा कि टूल स्टार्ट होने वाला है। वो लड़की ऐसा ही करती है, उसमें काफी ज्यादा रेज निकलती है जो कि आयरन मॉन्गर के गिर्द आ जाती है और इन रेज की वजह से आयरन मॉन्गर मारा जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सारे उसे क्वेश्चन कर रही होती है कि क्या आप ही हो आयरन मैन। तो उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि नहीं, आपने ये नहीं कहना, आपने ये कहना है कि उसमें आपका बॉडीगार्ड था और उन दोनों में आप इसमें कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से लड़ाई हो रही थी और आपके फादर के फ्रेंड भी नेचुरल डेथ मरे। लेकिन टोनी वो स्क्रिप्ट उठा के सब लोगों के सामने चला जाता है, तभी उसका दोस्त उसके कान में कहता है कि जो भी बात सच है वही बोलिएगा। आयरन मैन सबके सामने बोल देता है आई एम आयरन मैन, यानी अब सबको पता चल चुका था कि असली आयरन मैन टोनी ही है। और इसी के साथ आयरन मैन पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आयरन मैन पार्ट 2। अब जहाँ पर पार्ट 1 का एंड हुआ था वहीं से पार्ट 2 स्टार्ट होता है। वही न्यूज के टोनी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वही आयरन मैन है, किसी के टीवी पर चल रही होती है और जो आदमी इसको देख रहा होता है उसका नाम इवान होता है। ये न्यूज देखते ही इवान के फादर की डेथ हो जाती है, तो इवान कहता है कि मैं आयरन मैन से बदला लेके जरूर रहूंगा। तो वो भी एक छोटा सा टूल तैयार करता है जिससे वो अपना ड्रेस बनाने वाला था, क्योंकि वो आयरन मैन से फाइट करने लगा था।
अब कई दिन बाद इवैन का ड्रेस तैयार हो जाता है और वो उसे नाम देता है विप लैश। उसमें ये पावर थी कि वो किसी भी मेटल को काट सकता था। फिर हम देखते हैं कि 6 महीने गुजर जाते हैं और टोनी कुछ लोगों से स्पीच कर रहा होता है। उसने अपना वही ड्रेस पहना होता है। वो बताता है कि मेरे फादर का ये ड्रीम था कि वो एक सिटी बनाए जिसमें एडवांस बिल्डिंग्स हो और काफी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वो तो अपना ये ड्रीम पूरा नहीं कर पाए। अब मैं उनका ये ड्रीम पूरा करूंगा। और वो अपना ड्रेस सबको दिखाता है कि ये ड्रेस मेरी हेल्प करेगा। टोनी ये सब बातें करके वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं। वो टोनी से कहते हैं कि आपसे कुछ लोग कुछ बातें पूछना चाहते हैं। वो सब लोग ये चाहते हैं कि आप सुबह कोर्ट में आए, वो आपके ड्रेस के बारे में आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब टोनी कोर्ट जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो आर्मी है। कोर्ट के सेनेटर उसे कह रहे होते हैं कि सूट तो तुमने काफी अच्छा बनाया है, लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक चीज तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए, ये आर्मी को दे दो क्योंकि वो अपने सोल्जर्स की काफी अच्छी ट्रेनिंग कर सकती है इससे। तो टोनी कहता है कि नहीं, वो ड्रेस मैंने बनाया है, मेरी मेहनत लगी है उसमें, मैंने उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और मुझे ही उसको यूज करना आता है। वो मेरा ड्रेस है और मैं ही आयरन मैन हूँ। नो वन कैन बी आयरन मैन, कोई आयरन मैन नहीं बन सकता मेरे अलावा। वहां पर टोनी का वही ब्लैक दोस्त भी होता है, लेकिन इस पार्ट में उसका फेस चेंज है, यानी किसी और को टोनी का दोस्त बना दिया गया है, लेकिन कैरेक्टर वही है। वो भी सेम बात कहता है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये ड्रेस वाकई बहुत डेंजरस है और ये आर्मी के पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी टोनी नहीं मानता। फिर वहाँ पर एक वेपन एक्सपर्ट भी आता है जो कि सेम बात बोलता है, लेकिन टोनी कहता है कि मैं तुम लोगों में से किसी की बात नहीं सुनने वाला। टोनी उन सबसे कहता है कि मैं जानता हूँ आप लोगों को ऐसा करने के लिए किसने कहा है। इनफैक्ट वो आदमी इसलिए चाहता है कि आप लोग मेरा ड्रेस ले लें क्योंकि वो खुद ऐसा ड्रेस नहीं बना पा रहा। उसने मेरी कॉपी करके कई ज्यादा ड्रेसेस बनाए हैं, लेकिन वो उस काम के नहीं जो कि मेरा ड्रेस है। तो आप लोग उसकी बातों में क्यों आ रहे हैं, मैं आपको प्रूफ्स भी दिखाता हूँ। और टोनी फिर उनको प्रूफ्स भी दिखाने लगता है कि वाकई वो आदमी कैसा है। वो कहता है कि इतना बड़ा वेपन मेकर मेरी ड्रेस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, तो आप लोग कैसे कर पाएंगे, इसे सिर्फ मैं चला सकता हूँ और मैं जानता हूँ ये किसी को नुकसान नहीं देगा। सबको उसकी बात अच्छी लगती है और फिर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवैन अपना विप लैश ड्रेस कंप्लीट कर चुका होता है और अब वो चाहता था कि वो डायरेक्ट जाकर आयरन मैन से लड़ाई करे। दूसरी तरफ टोनी भी अपने ड्रेस को चेक कर रहा होता है। उसके ड्रेस में एक ऐसा कोर होता है जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल था, लेकिन यूजफुल होने के साथ साथ वो काफी खतरनाक भी था। उसकी वजह से टोनी की बॉडी में काफी पॉइजन फैल रहा था। उसी दौरान टोनी इस सोच में भी पड़ जाता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कंपनी का क्या होगा। तो वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का CEO बनाता हूँ, ये कंपनी अब से तुम्हारे अंडर है, तुम जिसको चाहो हायर करो। फिर टोनी की सेक्रेटरी जो कि अब उस कंपनी की CEO थी, एक लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाती है, लेकिन वो लड़की किसी कंपनी की एजेंट होती है। फिर हम देखते हैं कि कार रेस हो रही होती है और उसमें टोनी ने भी पार्टिसिपेट किया होता है, लेकिन तभी वहां पर इवैन यानी विप लैश आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है जिससे उसकी गाड़ी 2 हिस्सों में टूट जाती है। ये न्यूज टीवी पर टोनी की असिस्टेंट यानी वो CEO भी देख लेती है और उसके बॉडीगार्ड से कहती है कि हमें फॉरन उसकी मदद के लिए जाना होगा। वो दोनों जाते हैं और टोनी को उसका ब्रीफ केस देते हैं जिसके अंदर वो आयरन मैन वाला ड्रेस होता है और टोनी उसको पहन लेता है। अब आयरन मैन में और विप लैश में काफी लड़ाई होने लगती है, लेकिन आयरन मैन जो भी अटैक्स कर रहा था विप लैश उनको रोके जा रहा था और कई देर तक ऐसे चलता है, लेकिन तभी आयरन मैन विप लैश पर जोरदार अटैक करता है जिससे फाइनली विप लैश को डिफीट हो जाती है, विप लैश को अरेस्ट कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद टोनी पुलिस स्टेशन जाता है इवैन से ये पूछने के लिए कि उसने उस पर अटैक क्यों किया। वो आगे से चुप रहता है तो टोनी उसे कहता है कि वैसे तुम्हारी टेक्नोलॉजी थी बड़ी कमाल की, तुम अगर ये आर्मी को बेच देते तो तुम काफी अमीर हो सकते थे, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक और आदमी आता है जो कि सेम टू सेम इवैन के जैसा था, इवन उसका यूनिफॉर्म भी। वो दरअसल जेल में इसलिए भेजा गया था ताकि उसको मरवा कर लोगों को ये शो किया जा सके कि इवैन मर चुका है, और एक आदमी जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था असली इवैन को रेस्क्यू कर लेता है, वहां से निकलवा लेता है। सबको यही लग रहा था कि इवैन मारा जा चुका है क्योंकि उन्होंने वहां पर ब्लास्ट करवा के नकली इवैन को मरवा दिया था। वो गैंगस्टर किसी इंडस्ट्री का ओनर था और टोनी का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो ये चाहता था कि वो भी आयरन मैन के ड्रेस की तरह कई ज्यादा ड्रेसेस बनाए और पूरी आर्मी बनाए उनसे। उसने इवैन को भी इसीलिए छुड़वाया था। दूसरी तरफ टोनी के ड्रेस का वो कोर उसे काफी सता रहा होता है। वो उसकी चेस्ट में मुसलसल पॉइजन पहुंचा रहा था जिससे उसे फील हो रहा था कि अगर उसने कुछ ना किया जल्द तो वो मारा जाएगा, लेकिन इस बात की फिक्र ना करते हुए वो अपनी बर्थडे पार्टी
लगता है और उसमें डांस कर रहा होता है कि तभी उसका वो ब्लैक फ्रेंड आता है और उसे कहता है कि आर्मी का ऑर्डर है कि कल तुम्हें या तुम्हारे ड्रेस को उनके सामने लाया जाए। वो आदमी भी टोनी से अब तंग आ चुका था। वो कहता है कि तुम अपना ड्रेस पहन के पार्टी कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन टोनी उसकी बात नहीं सुनता। तो वो भी टोनी का पुराना ड्रेस पहनकर आ जाता है और उन दोनों में अब काफी ज्यादा फाइट होती है। दोनों ने ही आयरन के ड्रेसेस पहने रखे थे और दोनों चाहते थे कि किसी न किसी तरह एक दूसरे को हरा दें ताकि पहला जीत जाए। अब दोनों अपने अपने हाथ से लेजर निकालने लगते हैं और एट अ टाइम लेजर निकलने से दोनों लेजर आपस में टकरा जाती हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जहाँ पर ब्लास्ट होता है और टोनी की बर्थडे पार्टी हो रही होती है, वो जगह कोई और नहीं बल्कि टोनी की कंपनी होती है। अब वहाँ से टोनी का पुराना ड्रेस लेके वो ब्लैक फ्रेंड तो चला जाता है, लेकिन टोनी वहीं पर नशे की हालत में होता है। फिर हम देखते हैं कि एक आंख वाला आदमी टोनी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे फादर क्या क्या करना चाहते थे और तुम क्या कर रहे हो, तुम नशा करके इधर उधर फिरते रहते हो। तो टोनी कहता है कि अपनी जुबान बंद रखो, तुम होते कौन हो ऐसे बोलने वाले। तो वो आदमी कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो लड़की जो तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सीक्रेट एजेंट है और तुम्हारी सारी बातें सारी रिपोर्ट्स ही मुझे देती रही है। फिर वो आदमी ये भी कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई नुकसान हो, मैं चाहता हूँ कि तुम और ज्यादा अच्छा एक ड्रेस बनाओ जिससे पूरी दुनिया को फायदा हासिल हो, और मेरे पास तुम्हारे फादर की कुछ चीजें भी हैं, चाहो तो उन्हें मेरे से ले सकते हो। टोनी उस एक आंख वाले आदमी के पास से वो सारी चीजें ले आता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर जो सिटी बनाना चाहते थे वो उस टूल की मदद से बनाई जा सकती है। वो उस पर पूरी तरह से रिसर्च करने लगता है। वहाँ पर उसको कोर का पूरा डिजाइन भी नजर आ जाता है। वो उस पर थोड़ी सी और रिसर्च करता है और काफी चेंजेस करने के बाद बहुत ही ज्यादा एडवांस टूल बना लेता है और फिर उसी टूल से वो एक नया ड्रेस तैयार करता है जिसको वो नाम देता है मार्क 6। और साथ ही उसे इवेंट की कॉल भी आती है जो कहती है कि मैंने तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलकर एक काफी अच्छा ड्रेस तैयार कर लिया है, मैं वेट करूंगा उस दिन का जब तुम और मैं आमने सामने होंगे और देखते हैं कि कौन जीतता है। मैं आप लोगों को राज बताती हूँ कि इन लोगों ने वो ड्रेस किस तरह से तैयार किया। टोनी का वो पुराना ड्रेस जो कि टोनी का दोस्त आर्मी के पास ले गया था, उस ड्रेस में इवान ने और टोनी के दुश्मन ने कुछ चेंजेस किए और उसको और ज्यादा एडवांस बना दिया कुछ टेक्नोलॉजीज की मदद से जो कि बहुत सारी वॉर्स लड़ सकता था और फाइट कर सकता था। अब दूसरी तरफ टोनी का दुश्मन लोगों से स्पीच कर रहा होता है कि मैंने आयरन सोल्जर्स बनाए हैं क्योंकि अब आयरन आर्मी का दौर है। दूसरी तरफ टोनी को भी पता चल जाता है कि इवान किसी के साथ सच्चा नहीं है, तो वो जाता है अपने उसी दुश्मन के पास, उसी इंडस्ट्री के ओनर के पास, और उसे जाके कहता है कि इवान तुम्हारे साथ धोखा करेगा, वो तुम्हारी सारी आर्मी को अपने कब्जे में कर लेगा, वो सिटी पर अटैक कर देंगी। और ऐसे ही होता है, इवान देखते ही देखते सब सूट्स को अपने काबू में कर लेता है और उस वॉर मशीन को भी जो कि इन लोगों ने नई टेक्नोलॉजीज के साथ तैयार की थी, वही ड्रेस जो कि टोनी का पुराना ड्रेस था। टोनी उस इंडस्ट्री के ओनर से कहता है कि मैंने कहा था ना जाओ अब अपने सोल्जर्स को कंट्रोल करो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो वो सीक्रेट एजेंट वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर इवान इन सारे आयरन सोल्जर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन वो सारे के सारे अपना कंट्रोल खो चुके थे। तभी वहाँ पर आता है टोनी जो कि अब आयरन मैन बन चुका था। वो आते ही अपनी पावर्स का यूज करता है और सारे आयरन सोल्जर्स को मार गिराता है, लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है व्हिप्लैश जो कि ज्यादा स्ट्रांग हो के आया था अपने उसी ड्रेस में। टोनी यानी आयरन मैन उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन अब उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था क्योंकि व्हिप्लैश अब काफी स्ट्रांग हो चुका था और अब वो जानता था कि आयरन मैन का मुकाबला कैसे करना है। तभी टोनी को याद आता है कि जब उसकी और उसके ब्लैक फ्रेंड की लेजर आपस में टकराई थी तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वो अपने उस फ्रेंड से कहता है कि हम वो एक्सपेरिमेंट दोबारा से करते हैं। अब वो दोनों ऐसे ही करते हैं और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, व्हिप्लैश वहीं पर मारा जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी के पास वही एक आंख वाला आदमी आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें गुड न्यूज दूं, तुम्हारा जो आयरन मैन वाला ड्रेस है उसको एवेंजर्स ने अप्रूव कर लिया है, यानी अब वो एवेंजर्स टीम में यूज होगा, लेकिन आई एम सॉरी तुम उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुए, तुम्हें सिर्फ पीछे से काम करना होगा। तो टोनी कहता है कोई मसला नहीं, आई एम एक्सेप्टिंग, लेकिन मुझे इस बात का क्रेडिट चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट के सेनेटर टोनी यानी आयरन मैन को और उसके ब्लैक फ्रेंड को मेडल देते हैं और उनसे कहते हैं कि थैंक यू आपने पूरी दुनिया को बचा लिया। और इसी के साथ आयरन मैन पार्ट 2 यहीं खत्म हो जाता है। तो अब बारी है पार्ट 3 की एक्सप्लेनेशन की। तो मूवी का स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक को दिखाते हुए जहां पर एक लेडी उसे बता रही होती है कि
मैंने एक ऐसा वायरस बनाया है जिसमें बहुत सारी पावर्स हैं। इवन वो लोग जो डिसेबल हैं, माजूर हैं, वो भी अपनी पावर्स वापस ला सकते हैं, यानी वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तभी वहाँ पर एक ग्लासेस वाला साइंटिस्ट आता है जो कि टोनी से कहता है कि हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाली है, उसमें बहुत ज्यादा एडवांस टूल यूज होने वाले हैं, तो मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। दरअसल वो टोनी से काफी इंप्रेस होता है, लेकिन टोनी उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि टोनी को एक मेंटल इशू हो गया था, उसी वजह से जब आयरन आर्मी ने पूरे सिटी पर अटैक्स किए थे और टोनी उन्हें शुरू में बचा नहीं पा रहा था, उसे वो फ्लैशबैक बार बार आते थे और इसी को लेके वो काफी सैड और बुरा फील किया करता था, लेकिन उसका दोस्त उसे हौसला देता है। आयरन मैन सोचता है कि अगर उन लोगों ने दोबारा से अटैक कर दिया तो मैं क्या करूंगा। इसके लिए वो आयरन मैन की पूरी टीम बना देता है और वो उस टीम का नाम रखता है आयरन लीजन। अब हमें पता चलता है कि पूरे कंट्री में दोबारा से अटैक्स हो रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि मैंड्रिन नाम का एक आदमी करवा रहा है। टोनी यानी आयरन मैन का एक बॉडीगार्ड भी उसी कंट्री में होता है जो कि उन अटैक्स की वजह से शदीद जख्मी हो चुका था। टोनी उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि अगर ये अटैक्स ना रोके गए तो मैं उस मैंडरिन के साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। लेकिन लगता है ये बात उसकी मैंडरिन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो जनाब टोनी के घर पर ही अटैक करवा देता है, जिससे टोनी यानी आयरन मैन का घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उस वक्त टोनी के साथ वही लड़की भी थी जिसने वो वायरस बनाया था जो कि डिसेबल लोगों को ठीक कर सकता था। आयरन मैन अपना ड्रेस पहनता है और उस लड़की को बचाकर वहां से ले जाता है, लेकिन आयरन मैन के सूट में एक एरर आ जाता है जिससे कि उसने लैंड करना था वो वहां पर नहीं जाता बल्कि किसी ऐसी जगह में गिर जाता है जहां पर स्नो फॉलिंग हो रही होती है। लेकिन स्टिल होप यानी उम्मीद अभी भी बाकी थी क्योंकि उस सूट में पावर जो बाकी थी, वो चाहता तो उस जगह पर वापस जा सकता था जहां पर उसको जाना था। दूसरी तरफ पूरी दुनिया काफी सैड होती है क्योंकि उनको ये लग रहा था कि टोनी मारा जा चुका है उस अटैक में जो कि उसके घर पर हुआ, क्योंकि उसके बाद टोनी किसी को दिखाई जो नहीं दिया। आयरन मैन जिस विलेज में गिरा था वहां पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है, उससे कई बातें करने लगता है क्योंकि वो बच्चा उसको काफी इनोसेंट लगता है। टोनी देखता है कि वो विलेज भी तबाह हो चुका है और सेम उसी तरीके से ये तबाह हुआ है जिस तरीके से टोनी के घर पर अटैक किया गया, तो वो समझ जाता है कि जरूर इसके पीछे मैंडरिन का ही हाथ है। अब वो सारे केस पर रिसर्च करने लगता है, उसे पता चलता है कि ये एक्सप्लोशंस किसी वेपन के जरिए नहीं हुए बल्कि ये उन सोल्जर्स ने किए हैं जो कि सुपर पावर्स रखते हैं। टोनी सबसे मैंडरिन की लोकेशन के बारे में पूछता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। सरप्राइजिंगली वो बच्चा उसे मैंडरिन की लोकेशन तक पहुंचा देता है। विलेज में टोनी ने कुछ वेपन्स भी तैयार कर रखे थे जो वो अपने साथ लेकर यहाँ आया था। वहां पर उसे पता चलता है कि मैंडरिन तो था ही नहीं, वो ड्रामा कर रहा था कि जैसे वो वहां पर हो। वहाँ पर सिर्फ एक आदमी था कि जो उस जगह की वीडियोस बनाकर पब्लिश किया करता था। फिर यहाँ हम देखते हैं कि वही ऐनक वाला साइंटिस्ट टोनी से मिलता है और दरअसल ना तो उसको ऐनक लगी थी और ना ही वो उसका गेटअप था, वो भी उसका फेक गेटअप था। वो टोनी को बताता है कि मैंने वही वायरस यूज करके खुद की डिसेबिलिटी को खत्म कर दिया है और अब मैं काफी स्ट्रांग हो चुका हूँ। वो साइंटिस्ट टोनी को बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त यानी तुम्हारी सेक्रेटरी को भी किडनैप कर रखा है। वो उसे उसका विजन दिखाता है कि ये देखो, ये अब मेरे कब्जे में है। वो दरअसल कहीं और पर किडनैप हुई भी होती है और ये सिर्फ उसकी इमेज होती है, एक होलोग्राम। अब वो लड़की जिसने वायरस तैयार किया था वो कई सालों से साइंटिस्ट के लिए काम कर रही थी, लेकिन जब उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये टोनी से भी मिलने गई थी तो वो उस लड़की को वहीं पर शूट कर देता है। हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट काफी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करता था जिसकी वजह से उसकी लोकेशन कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता था। वहां पर वॉर मशीन भी होती है जो कि टोनी का फ्रेंड चला रहा होता है, यानी वही आयरन सूट जो वो लेकर भागा था, लेकिन अब उस ड्रेस का नाम चेंज कर दिया गया था और ये उसी साइंटिस्ट ने किया था। दरअसल वो टोनी को ये बताना नहीं चाहता था कि ये वही ड्रेस है। वो उस ड्रेस को यानी वॉर मशीन को अपने पास ले आता है, लेकिन टोनी भी काफी पावरफुल था, वो वहां से जान छुड़ाकर भाग चुका था क्योंकि उसे मैंडरिन की लोकेशन का पता लगाना था। इसी दौरान टोनी को पता चलता है कि वो साइंटिस्ट वो एडवांस ड्रेस चुराकर यूएस के प्रेसिडेंट को मारना चाहता है और इसके लिए उसे कुछ भी करके उसे रोकना होगा, और इसी पर्पस के लिए वो साइंटिस्ट वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो प्रेसिडेंट होते हैं जो कि किसी और कंट्री जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो उसे किडनैप कर लेता है और अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले आता है जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता था, लेकिन टोनी वहां पर पहुंच ही जाता है क्योंकि उसकी हेल्प की थी उस छोटे बच्चे ने और टोनी था भी बहुत टैलेंटेड। टोनी वहां पर जाकर सारे बाकी पैसेंजर्स को भी बचा लेता है, लेकिन जब बारी आती है प्रेसिडेंट को बचाने की तो इतनी ही देर में वो साइंटिस्ट उसे लेकर वहां से जा चुका होता है और वो नाकाम रह जाता है प्रेसिडेंट को बचाने में।
लेकिन हमें ये जरूर पता चल जाता है कि साइंटिस्ट की सीक्रेट लोकेशन क्या थी। ये समंदर के पास एक खुफिया जगह थी और ये प्रेसिडेंट को यहाँ पर पता है क्यों लाया था? क्योंकि ये उनकी डेथ पूरे सोशल मीडिया के सामने लाइव दिखाना चाहता था, जिससे इसको पॉपुलैरिटी मिलती, यानी ये मशहूर हो जाता और लोग इससे डरने लगते। और प्रेसिडेंट को पकड़ना इतना आसान नहीं हुआ था, बल्कि प्रेसिडेंट के नीचे जो बंदा होता है यानी वाइस प्रेसिडेंट, उसने जेलेसी में आकर प्रेसिडेंट की किडनैपिंग में उस साइंटिस्ट की हेल्प की थी। उसने ये लालच में भी किया था क्योंकि उसकी एक डिसेबल बेटी थी जिसको साइंटिस्ट ने वही वायरस देकर ठीक कर दिया था। अब हम देखते हैं कि टोनी और उसका ब्लैक फ्रेंड उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर वो साइंटिस्ट होता है, यानी समंदर के पास वाली खुफिया जगह में। टोनी अपने दोस्त को कहता है कि मैं अपनी असिस्टेंट यानी सीईओ को बचाऊंगा और तुम जाकर प्रेसिडेंट को बचाना। फिर हम देखते हैं कि आयरन मैन उस आदमी के सामने पहुंच चुका है, यानी उस साइंटिस्ट के सामने। उन दोनों में काफी फाइट होती है, दोनों ने ड्रेसेस पहन रखे थे। और दूसरी तरफ वो ब्लैक फ्रेंड भी प्रेसिडेंट को बचा देता है और उन्हें भी आयरन ड्रेस पहनाकर सेव कर लेता है और कहता है आप यहाँ से चले जाएं अभी के लिए। आयरन मैन भी उस सीईओ को यानी अपनी दोस्त को बचा लेता है, लेकिन बचाते बचाते वो नीचे गिर जाती है जहाँ पर बहुत ज्यादा आग लगी होती है। टोनी यानी आयरन मैन डर जाता है कि ये तो चल जाएगी अब। लेकिन एक मजे की बात ये थी कि उस साइंटिस्ट ने इसके अंदर भी वो वायरस इंजेक्ट कर रखा था, जिसकी वजह से उसे आग से कुछ नहीं होता और वो ठीक हो जाती है। ये तो इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया था। अब हम देखते हैं कि टोनी यानी आयरन मैन जाता है उसी साइंटिस्ट के पास। उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होने लगती है, लेकिन जब वो देखता है कि इस पर ना तो मेरी आर्मी का कोई असर हो रहा है ना तो मेरे अटैक्स का, तो उसके पास एक आइडिया आता है। वो अपना ड्रेस उतारता है और उसे साइंटिस्ट को पहना देता है। और उस ड्रेस में एक खास बात ये थी कि वो अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता था, और टोनी भी ऐसा ही करता है, वो ड्रेस ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो साइंटिस्ट बहुत चालाक था, उसने भी वो वायरस अपने अंदर इंजेक्ट कर रखा था, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। बस इतना है कि वो जल चुका था, लेकिन स्टिल उसमें अभी भी पावर थी काफी ज्यादा। और तभी वहां पर वो सीईओ भी आती है और वो साइंटिस्ट को पूरी तरह से मार देती है, जिससे फाइनली वो मर जाता है। फिर वो सीईओ आती है टोनी के पास, वो दोनों गले लगते हैं और कन्फेस करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। उधर टोनी अपनी बाकी आयरन आर्मी को भी ऑर्डर देता है कि खुद को ब्लास्ट कर लो, और ऐसा ही होता है। आसमान में लग रहा होता है जैसे फायरवर्क्स चल रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम ये भी देखते हैं कि पुलिस ने नकली मैंडरिन और उस वाइस प्रेसिडेंट को भी अरेस्ट कर लिया है। फिर हम देखते हैं क्योंकि टोनी यानी आयरन मैन काफी मशहूर हो चुका था, तो दुनिया के बड़े बड़े सर्जन उसका ऑपरेशन करते हैं। उसमें जो जो मेटल के पीसीज होते हैं वो उसको निकाल देते हैं। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज थी, यानी ना उसे किसी टूल की जरूरत थी, ना उसे किसी कोर की, ना ही ड्रेस की जरूरत थी उसे जिंदा रखने के लिए। वो उस टूल को पानी में फेंक देता है और उसकी दोस्त यानी सीईओ को भी ठीक कर दिया जाता है। यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।